sharing all those details with our viewers. We leave it there and shift our focus to developments that are taking place in Punjab, where the recorded 484 cases of stubble burning in Punjab is the highest single day spike in 2024, taking the total incidence of farm fires across the state to 2,950. Of the 484 incidents, Sangrur has reported the highest with 89 cases of stubble burning, followed by Firozapur with 65 and Mansa with 40. And these are the, in fact, statistics that we are tracking as per data from the Punjab Pollution Control Board. Now, the air quality in the national capital, Delhi, continues to be a concern as it remains in the very poor category after the Diwali festival. My colleague Kulveer Diwan joins us live from Chandigarh. Kulveer, as many as 484 cases have been reported in a single day. That's the highest number that has been tracked this entire season. Take our viewers through the details that are coming in. देखिए बिल्कुल, पंजाब में 587 मामले जो है वो एक दिन में सामने आना एक बड़े चैलेंज की बात है सरकारों के लिए भी और लोगों के लिए भी, क्योंकि लोगों को पॉल्यूशन से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे लोग भी हैं जो पोल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है इनको। पोल्यूशन की वजह से कितनी दिक्कत आपको आ रही है, क्योंकि पंजाब से ये रिपोर्ट आई है कि एक सिंगल डे में कल 587 मामले जो है वो सामने आए हैं। यहाँ चंडीगढ़ ट्राई सिटी में भी 200 का 367 पहुंच गया है ये क्यों? और हमारे जैसे बुजुर्गों को तो सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ और कल से हम तो अपना दरवाजा बंद करके बैठे हैं। और एक पंजाब का कल न्यूज आई है, एक किसी एयर कॉमोडोर ने वहां पे 10 एकड़ में प्लांट लगाया पराली को सुधारने के लिए, उसको किसान नहीं सुधारने देते, कहता हम तो जलाएंगे। तो इसमें आम आदमी क्या करेगा जी? और हरियाणा में इतना फिर भी सुधार हुआ है, पंजाब में तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है वो। आप क्या कहना चाहेंगे स्टबल बर्निंग के जो मामले हैं सर? स्टबल बर्निंग के मामले लगातार पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं, चैलेंज बनता जा रहा है पूरे पूरे देश के लिए प्रदूषण। जी क्या कहेंगे, किस तरह से आप इसको देखते हैं और कितनी दिक्कत आम लोगों को होती है सर? बेसिकली जो स्टबल बर्निंग सिस्टम है जी, इसको हम किसी और ढंग से भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। हुँ. जैसे आजकल तो बड़े सारे कई साधन आ गए हैं कि हम ये स्टबल को यूज कर लेते हैं बायोडिग्रेडेबल कटलरी वगैरह बनाने में। देयर आर सो मेनी ऑप्शन, तो रादर के भी हम इसको बर्न करें, कुछ ऐसा ऑप्शन देखें जिससे कि भी हमारा पोल्यूशन भी एक कंट्रोल में रहे, सभी बुजुर्गों को सभी लोगों को इसमें कोई हानि ना हो। तो कोई ऐसे साधन देखने चाहिए, मेरे हिसाब से तो एक उचित है, ना कि किसी का विरोध हो, आपस में मिलके कोई ना कोई समस्या का हल करना चाहिए। कितनी दिक्कत आती है क्योंकि स्टबल बर्निंग की वजह से जो बुजुर्ग है खासतौर पर जो अस्वस्थ है और बच्चे जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इस तरह की जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, कोशिशें कर रही है सरकारें कि कम हो, लेकिन बढ़ रहा है, चिंता कितनी है? चिंता तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जिस तरीके से कहने के बाद भी सरकारों के प्रयास के बाद भी लोग बाग जो बाई जो दूसरे उसके सिस्टम्स है वो नहीं फॉलो करते हैं, ये चिंता की बात तो है। इसके साथ हमें एक चीज ये भी देखना पड़ेगा कि लोगों की इम्यूनिटी भी कम हो रही है। पहले लोग ज्यादा देर तक धुएं में रह सकते थे, लेकिन अब लोग नहीं रह पाते हैं। लेकिन इसमें सरकारों को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जी। आप सर कितना प्रभावित होते हैं स्टबल बर्निंग के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं पंजाब में? देखिए पोल्यूशन से अब ओल्ड एज तो छोड़ो, हम जैसे एज के भी लोग इतने परेशान होते हैं। कल मुझे भी दरवाजा बंद करके बैठना पड़ा, फिर भी इतना प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीदिंग में। और इसका सोल्यूशन ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे तो करते हैं, एक्टिविटीज भी करते हैं, रूल्स बनाते हैं, बट वो नीचे तक पॉसिबल तो फॉलो नहीं होते। उसके लिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को पंचायत लेवल पे गांव के सरपंच की ड्यूटी अपॉइंट करनी चाहिए और वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन सरपंच के अगेंस्ट होना चाहिए, सो दैट वो, क्योंकि वो अपने विलेज में अपने विलेज मेंबर्स को वो ही कंट्रोल कर सकते हैं। सफाई की जरूरत है। मलिक साहब आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लेते हैं, क्योंकि लगातार चैलेंज जो है वो बढ़ता जा रहा है? चैलेंज तो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आज के दिन इम्यूनिटी किसी की ठीक नहीं रही, खास तौर से कोरोना काल के बाद। और अगर ऐसे ही पोल्यूशन बढ़ता रहा तो लोगों की इम्यूनिटी तो की वजह से लोगों की जाने जाएंगी, और खास तौर से जो जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है उनकी तो उनको तो जीना मुश्किल हो जाता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। हालात क्या आपको लगता है कि बिगड़ते जा रहे हैं, जितना संवारने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
जितना हम उसको कोशिश करें संवारने की वो बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयास निरंतर होने चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो पराली हमारी खेतों के अंदर पड़ी है उसको खेतों के अंदर ही सड़ा जाए बजाय इसके कि उसको जलाया जाए। और इसके लिए जो भी किसान भाई हमारे जो है पंजाब से और हरियाणा से और दूसरे स्टेट्स में, उनको जो वो बहुत ही अच्छे ढंग से जो उन्हें जो स्टेट लेवल पर सम्मानित किया जाए, जो पराली को जो किसान भाई हमारे जो पराली है किसानों खेतों के अंदर इसे साटते हैं तो उसको जलाने की बजाय। धन्यवाद। आपको भी दिक्कत आती है बेटा, बच्चों को भी दिक्कत आती है पोल्यूशन की वजह से, तो देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोग जो हैं, हर आयु वर्ग के लोग जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं और सरकारें जो हैं वो दावा भी कर रही हैं, कोशिशें भी कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं ये कहीं के नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। जी ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड शेयरिंग ऑल दोस डिटेल्स विद आवर व्यूअर्स। मीनवाइल व्यूअर्स, एज पंजाब विटनेसेस अ फर्दर अपटेक इन फार्म फायर इंसिडेंट्स, वी आल्सो हैव सीन केसेस ऑफ पराली बर्निंग इन हरियाणा। लेट्स इन फैक्ट टेक अ लुक एट दीज रिपोर्ट्स आर बीइंग फाइल्ड बाय माय कॉलीग्स। पूरे देश में पॉल्यूशन की समस्या, बात करें जिला यमुनानगर की तो एक क्यूई लेवल जो है वो 261, अभी मेरे साथ ही दिखाएंगे यहाँ पर जो है हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल के द्वारा जो है मीटर लगाया गया है, जिसमें ओजोन है चाहे जो भी यहाँ पे पॉल्यूशन से संबंधित पूरा डाटा दिया जा रहा है, क्योंकि यदि मॉनिटरिंग होगी तो भी कंट्रोल हुआ होगा कि जो AQI लेवल कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। हालांकि जो डिपार्टमेंट है वो AQI लेवल को कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पर छिड़काव भी करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी है, इसके अलावा यहाँ पर माइनिंग का भी आना जाना रहता है, गाड़ियाँ काफ़ी हैं, और बात करें पराली भी जलती है, इसके अलावा जो क्योंकि रात दिवाली रही तो पटाखे भी ही जले, तो इस समय जो पोल्यूशन का जो सीमा 261 काफ़ी पुअर लेवल पर है। बात करें किसानों की तो हमारे साथ सतपाल कौशिक जो किसान नेता है और कोऑर्डिनेटर भी हैं तो इनसे जानते भी हैं। सर, पराली को लेकर कितना पोल्यूशन होता है और क्या कहना चाहेंगे? आज AQI लेवल वेरी पुअर 261 है। देखिए, वातावरण में यदि आप कुछ भी जलाओगे तो उससे पोल्यूशन तो हो गई। मैं मानता हूँ कि पराली जलाने से भी पोल्यूशन होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना पटाखे जलाने से होता है। आप देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि वो चिंतित हैं पोल्यूशन को लेकर, लेकिन मुझे दुख भी है इस बात का कि वो किसानों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई के आदेश दे रहे हैं, लेकिन जो कंपनी वाले पटाखे बना रहे हैं और जो पटाखे से पोल्यूशन फैलता है और वो गैस भी जहरीली होती है जाना पराली से, उस पर सरकार ने प्रबंध नहीं लगा, न माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। तो मैं ये कहता हूँ कि पराली जलाने से कम पोल्यूशन होता है और पटाखे चलने से ज़्यादा पोल्यूशन होता है, लेकिन पटाखा बनाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और जबकि पराली जलाने वालों पे कार्रवाई होती है। ये एक दोगली बात है। लेकिन सर, इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर काफ़ी सख्ती रही है, पटाखे बजे तो ग्रीन पटाखे बजे जिनसे पोल्यूशन ना के बराबर होता। नहीं, कोई ग्रीन पटाखे नहीं थे, रात को सारी रात नींद नहीं आई। आज वातावरण में देखो, अब सांस लेना मुश्किल है, ऐसे है जैसे कोई धुएं धुआं हो, अब भी धुएं धुआं है, जबकि पटाखे रात 12 बजे तक चले और अब भी बुरा हाल है पोल्यूशन का। आप देख लो, लेवल आज भी 350 है, दिल्ली में 500 है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश है कि जब पराली जलाने पर सख्ती है तो पटाखा बनाने पर भी सख्ती होनी चाहिए, और खुशी बनाने के बहुत तरीके हैं। क्या पोल्यूशन फैला के खुशी मनाई जाएगी? दिवाली पे पटाखे चलाना, अगर चलाने हैं तो ग्रीन पटाखे चलाएं, लेकिन ग्रीन पटाखे नहीं थे, धड़ाधड़ पटाखे बिक रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है पटाखे के मामले में। सर, किसान को तो पाबंदी और पटाखे को कोई पाबंदी नहीं। धन्यवाद सर। बिल्कुल, जो AQI लेवल है उसके कई कारण, जब पटाखे भी हैं, इसके अलावा किसान के द्वारा पराली जलाना भी है, फैक्ट्रियों का प्रदूषण भी होता है, तो सभी से मिलकर जब सभी प्रयास करेंगे तो ही जो है पर्यावरण से बचा जा सकता है। यमुनानगर से देविदास शर्द। Right, so of course, those were reports that were filed by my colleagues. We're going to leave with that and shift our focus to some more news coming in, where in a major development for Indian law enforcement.